सो गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट द ई ड्रेसिंग्स, सो मैंने इट कम्स टू ई ड्रेसिंग पीपल ऑफन ऑप्शन जैसे कि ट्रेडिशनल अटायर टू मार्क द फेस्टिव स्पिरिट. फॉर मोर वुमेन दिस इंक्लूड ब्यूटिफुल आउटफिट्स. लोग लहंगाज और साड़ीज पहनना बहुत पसंद करते हैं ईद पर. हैवी ड्रेसेस पहनना उनको बहुत पसंद होता है एंड इट लुक्स वेरी स्टनिंग, क्योंकि यही दिन होते हैं ट्रेडिशनल कपड़े पहनने के. बाकी तो आउटफिट्स पहनते हैं इन एनी टाइप्स ऑफ अदर इवेंट्स, कैजुअल इवेंट्स एंड फॉर्मल इवेंट्स. These outfits are often adorned with intricate embroidery, laces, embellishment or vibrant colors. So guys, it shows the all cultural traditions and which it shows that we are Muslim and we show them by wearing this a traditional look. And if I will give you the more information, so about lehenga, about long kameez and capri. So long kameez, also known as a long shirt or tunic, इज़ अ ट्रेडिशनल आउटफिट जो कि पेयर्ड की जाती है कैपरी के साथ, विच आर क्रॉप्ड पैंट्स, बहुत टाइट होती हैं. लॉन्ग कमीज कैन बी मेड फ्रॉम वेरियस फैब्रिक्स जैसे कि कॉटन यूज़ करते हैं, सिल्क करते हैं, शिफोन करते हैं, ऑल अदर चॉइसेस जो कि हमारी पसंद है कि जिस स्टफ में हम लोग पहनना पसंद करते हैं और जिस कलर्स में हम पहनना पसंद करते हैं, जिसमें हम अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जिसमें हमें लगे कि हम बहुत प्यारे लग रहे हैं और ये हमें सूट करता है, हम उसी को सिलेक्ट करते हैं. और दे कम इन अ वराइटी ऑफ स्टाइल्स और डिज़ाइंस. यू कैन फाइंड दैम विद डिफरेंट नेकलाइंस. गले के बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं. एंड इफ़ यू चूज़ इट ऑन अ ट्रेडिशनल सूट, इट विल गिव यू अ परफेक्ट लुक. एंड स्लीव्स लेंथ, स्लीव की लेंथ और इसके एम्बेलिशमेंट जैसे कि एम्ब्रॉयड्री और प्रिंट्स. कैपरी आर टाइपिकली फिटेड पैंट्स डेट एंड जस्ट बिलो द नीज. दे कैन बी प्लेन और डेकोरेटेड विद एम्ब्रॉयड्री और अदर डिटेल्स. ये तो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि अगर आप लोग हैवी किस्म की पहनना चाहते हो तो आप लोग उस पर एम्ब्रॉयड्री करवा सकते हो, आप लोग उस पर लेस लगवा सकते हो कैपरीज पर. ये तो आप लोगों की चॉइसिस पर डिपेंड होता है कि किस टाइप की आप लोग पहनना चाहते हो, जो चीज़ आप लोगों को पसंद आ रही है. सो गाइज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ, तो आई होप कि आपको पसंद आए होंगे. डोंट फॉरगेट टू वेयर अ स्टेटमेंट ऑफ ज्वेलरी, प्यारी सी एक्सेसराइज ज्वेलरी सेलेक्ट करें और इसके साथ के सिलेक्टेड शूज़. ऑफनली हील्स आर वेरी गुड अंडर दिस टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, बट कुछ लोगों को अनकम्फर्टेबल फील होता है हील्स पहनकर, तो वो फ्लैट शूज़ भी पहन सकती हैं. सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके. डोंट फॉरगेट टू सब लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली. और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है और आप लोग कैसी वीडियोज़ चाहते हैं ताकि मैं वैसी लाऊँ. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.